आके खोल के बात करना। मेरा मोबाइल रह गया सोफे पे। मुझे बहुत ठंड लग रही है। गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ और मैं फाइनली होश में आ चुकी हूँ कि हाँ ठीक है, मुझे भी काफ़ी टाइम बाद अब व्लॉग शुरू कर लेना चाहिए। आज मैंने सोचा कि आज मैं भी व्लॉग डाल ही दूँ, पर मैं एक बात बताती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बोलना है। ऐसे जुबान ना थथला रही है, कुछ बोला ही नहीं जा रहा कसम से, मतलब समझ में नहीं आ रही। और इसके देखा और काफी दिन से मेरे रूम का टीवी भी खराब चल रहा है, तो दो चार बार मैंने लगाया था, चला ही नहीं तो मैंने इग्नोर कर दिया, और आज फिर मैंने लगाया। मैंने कहा कोशिश करते हैं शायद अपने आप ही चल जाए, पर नहीं, वो नहीं चला, इतना ढीठ है। तो जो नीचे रूम में टीवी लगा हुआ है वो हम लगाएंगे अपने रूम में, और खराब वाला टीवी जाएगा नीचे वाले रूम में। तो टीवी का काम हो गया ठीक, पीछे का बेड नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा मैस है, और हमेशा मेरे रूम में मैस हो जाता है। जब भी मुझे लगता है कि मैंने वीडियो बनानी है, रेडी होना है, कहीं जाना आना है, तो मेरा रूम पूरे तरीके से तहस नहस हो जाता है, तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। इसलिए मैंने ये वाला एंगल रखा हुआ है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना क्लीन है मेरा रूम। तो अभी हम चलते हैं नीचे, मम्मी से मिलवाती हूँ और जाते हैं बाहर कहीं घूमने। बाय। हेलो मम्मा। हेलो, क्या हो रहा है? अच्छा मुझे लगता है आपने मेरी आवाज सुन ली थी और फटाफट ये कुशन ठीक करने शुरू हो गए हो। नहीं शिखा, मेरी आदत है थोड़ा गर्म हो, थोड़ा मेंटेन रखती हूँ। आज आप मम्मी काफी अच्छे लग रहे हो, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। आपको पता मैंने कहाँ पर जाना आपके साथ? एक बात है, मॉल जाना है, मेरा खर्चा न करवाना बस। आपको कैसे पता मैंने मॉल जाना है? अच्छा मैंने तारीफ की ना, इनको पता है कि शिखा ने मॉल ही जाना है। और मैंने एक चीज तो आपको दिखाई नहीं, ये देखिए मेरी न्यू गिटार, इसकी वजह से मुझे ये मौका मिला गिटार चेंज करने का, वो देखिए। बताओ इनको मैंने नई क्यों ली? मेरे से ही टूटी है। मेरे हाथ से गिरी थी, दो बार गिरी है। हम लोग ना एक बार शूट कर रहे थे बाहर, है ना? हाँ, वो जो उसकी बेल्ट थी वो लूज थी और हमने लगाई हुई थी, पता नहीं कैसे निकली। तो मैंने कोशिश की, मैंने कहा चलो गिटार ठीक करवा लेते हैं, ठीक हो जाएगी तो फिर लगा लेंगे। फिर दूसरी बार भी मैंने ठीक करवाई वो, उसके बाद उन्होंने बोला कि मैडम जी आप बस करो, अभी गिटार को ठीक मत कराओ, अपनी सोच को ठीक करो, थोड़े से पैसे लगाओ और अच्छी सी गिटार लो। फिर बड़े मुश्किल हमने, मतलब हम गए और इस बार मैंने गिटार लिया, थोड़े दिन पहले ली है, और नई गिटार पे मैं आपको दो लाइनें और सुनाऊंगी। बख्शा गुनाहों को, सुन ले दुआओं को रब्बा, प्यार है तूने सबको है दे दिया। मेरी बियाहों को, सुन ले दुआओं को मुझको, वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया। आसमां पे आसमां मुझको दे इतना बता, वो जो मुझे देख के हंसे, पाना चाहूं रात दिन जिसे, रब्बा मेरे नाम कर उसे, तेनु दिल दा वास्ता। तो बस दो चार लाइनें थी आपके लिए, और बताना आपको मेरा गिटार पर ये वाला गाना भी कैसे लगा। और अभी हम चलते हैं थोड़ा सा बाहर और आपको भी लेकर चलते हैं, आ जाओ। मॉल जाने लगे था, अपना पर्स ही बोल आई है। मैं पर्स लेकर आती हूँ। पर्स लेके आती हूँ, इतना टाइम था लगा दे, दो घंटे हो गए मैं रेडी हुई हूँ। मैं भी वॉच बनने को देना बोल दे, मम्मी आप तो वॉच भूल गए हो, मैं भी वॉच बनने लगी हूँ। टाइम हुआ 4:15, बस हम भी चलने लगे हैं। जाते जाते इसको भूख लग गई है। और इसके ऊपर मैंने जैकेट डाल ली क्योंकि आपकी बार ठंड हो जाएगी बहुत ज्यादा। पर्स मैंने अपना ले लिया है जिसमें पैसे हैं, और पैसे पर मैं खर्चूंगी नहीं। हाँ जी, सोफे पे। क्या? सॉरी मम्मी, क्या रह गया बताना? आपका पर्स रह गया था ना? रह गया था ना? हाँ। तो मेरा मोबाइल रह गया सोफे पे। तो मानो ना आप चीजें भूल जाते हो। शिखा मैं थोड़ी बड़ी हूँ, भूलती आदत होती है। ये रहा फोन। पहले ही फोन इनका ले लिया था क्योंकि मुझे लगा था इनको याद नहीं रहेगा, गाड़ी में जाके याद आएगा, पर इनको अभी याद आ गया। अच्छा। तो अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और फाइनली मैं मम्मी का खर्चा करवाने जा रही हूँ। मम्मी टेंशन ना लो, कम खर्चा करवाऊंगी। 500 रुपया खर्चा करवाना मेरा। 500 रुपए में क्या आता है मम्मा? ठीक है इतना। 500 रुपए में कुछ नहीं आता आजकल। टीटू भाजी कुछ नहीं आता ना? 500 के साथ 1-0 और। ये बात मुझे लगता है ये भी कम है। इन्होंने बोला कि 500 के साथ 1-0 और। नहीं, मेकअप खरीदना होता लड़कियों को पता है, 500 के साथ 1-0 भी लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
हम आ चुके हैं अल्फा मॉल। अभी इसका नाम चेंज हो गया है, नेक्सस अमृतसर है, वो सामने लिखा है नेक्सस अमृतसर। आपको दिखाती हूँ, ये है ये। यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती मम्मी, मेरे में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता व्लॉगिंग करने का, मतलब आवाज ऐसे ही रहती है। करते रहो फिर आता है, जैसे लड़कियां करती है ना व्लॉगिंग। तो गाइस जो ये है यू, हम वहां पर आ चुके हैं, वो कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है। बस इधर उधर देखती रहती हूँ पूरे व्लॉग में कि कोई देख तो नहीं रहा। मैंने ये देखी थी फिटमी, और इसके बाद मैंने देखी है ये वाली क्रीम, जो भी है बीबी क्रीम। तो मुझे लगता है मैं फिटमी लूँगी, क्योंकि ये फाउंडेशन है और मुझे फाउंडेशन की ज़रूरत है। तो अभी देखते हैं मम्मी, ये वाली ले लो। हाँ ले लो। फाइनली ले ली है फिटमी की, SPF 22125 नंबर है इसका, और एक कंसीलर भी है। तो अभी थोड़ी सी मैंने यहाँ पर फाउंडेशन लगाई है फिटमी, और कंसीलर भी अप्लाई किया, तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी मैं आपको अंधेरे में शायद नज़र आ रही हूँ या नहीं, ये है मम्मी, मतलब मेरे राइट साइड में मम्मी है और लेफ्ट में मैं हूँ, मतलब आपके राइट में मैं हूँ और लेफ्ट में मम्मी है। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, अंधेरा हो गया बहुत, और हमने कुछ खास नहीं लिया, जो जो मैं लेना चाह रही थी वो वहाँ पर था ही नहीं। तो चलो अभी हम घर जा रहे हैं और आपको मिलते हैं वहाँ पर जाकर। और यहाँ पर देखो कितनी स्पीड से टिक्की खाई जा रही है मम्मी, दिल कर रहा था तो टिक्का खाने को। और ये देखो इनके मुंह में भी पानी आ गया होगा, काफी टाइम बाद टिक्की का सेवन करने जा रहे हैं। इधर के टिक्की ठंडी हो गई, मेरी ठंडी हो गई अम्मा। ले टिक्की तो गर्म हो गई, ऊपर सॉस वगैरह डालना, दही डालना के कुछ बस। तो अभी हम घर पे आ चुके हैं, हमने टिक्की खा ली थी, मुझे रास्ते में काफी भूख लग चुकी थी, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि मैंने दोपहर को कुछ खाया ही नहीं। तो भी रोटी क्यों नहीं खिलाई मुझे, तो बच्ची है जब मैं तो मैं रोटी खिलाऊं, मैं बच्ची हूँ कहाँ, कोई बड़ी लग रही है बताओ, आपका फर्ज कमेंट करके बताना। तो सभी बोलेंगे आप बच्ची हो, आपकी माँ की सेवा करो। नहीं मैं बच्ची हूँ, ये देखो माँ के लिए लड़कियां कभी बड़ी नहीं होती, याद रखना मम्मा, इतनी भी नहीं समझना, बड़ी हो चुकी है। मैंने कहा मम्मी ब्लॉग खत्म कर दे, थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं। मम्मी बोल रहे थे शिखा मैंने तो अभी मेकअप निकाल दिया अपना, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं फिर भी। वो तो है नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल, कभी कभी अपनी ना नेचुरल ब्यूटी भी दिखानी चाहिए, जरूरी थोड़ी ना मेकअप करके बैठ जाओ। मैंने किया हुआ वैसे थोड़ा सा, मैं तो कम ही करती शुरू से। तो अभी हम, यार मम्मी के बालों का क्या सीन है, हैं ये सीन क्या मम्मी। ये वाला व्लॉग हमारा चलेगा कंटिन्यू, कैसे एक दो दिन और चलाते हैं इस व्लॉग को। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह, बाय, गुड नाइट, हाय बाय। तो ये है नेक्स्ट डे, मतलब कि जो हमने वीडियो बनाई थी ये अगला दिन, ये देखिए हेलो। तो ये है मेरी परोंठी विद देसी घी और अचार, और मैं अब इसको खाऊंगी मजे से, मतलब ये मेरी फेवरेट आई, कुछ ना ना हो, मतलब कि अगर आपको लगता है कि आप ना बाकी चीजें खा खा के थक चुके हैं, आपको स्टफ्ड परोंठी नहीं खानी, आलू वाली गोभी वाली, मुझे बहुत हैवी लगती है वो, मतलब मुझे आलू वाली बेस्ट लगती है और कोई ज्यादा नहीं लगती, तो फिर मुझे और कुछ समझ ना ना आए तो मैं ये खा लेती हूँ। मम्मी तैयार हो जाओ आप भी अब। हाँ, चलो चलो। ये ना बोलना कि मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं, आधार कार्ड दे हूँ अपना, बार कोड। हेलो, हाय, हेलो, आधार कार्ड। हाँ, और कोरियर वाला आया बाहर। अच्छा, कोरियर आया मम्मा। ठीक है। कोरियर आया, मणि का नाम लगा, मणि ने मेरे वास्ते कोई गिफ्ट भेजा है पक्का। मतलब गिफ्ट कोरियर आया है, सानू कोरियर थोड़ा नंबर सरों, मैं लगता पक्का मणि ने भेजा। मणि एक दिन कहा सी मम्मी मैंने आपको गिफ्ट लेके देना है। सीरियसली? हाँ, मैं कह नहीं गिफ्ट लेना, मैंने मैं तो ले लिया गिफ्ट, हूँ क्या करूँगी। नहीं बोला कब था, बोला कब था मणि ने?
हो गए आज 15 दिन हो गए, मम्मी ने बोला था नहीं मम्मी मैंने लेके देना आपको जो मर्जी हो जाए, तो मैंने बोल दिया था मैंने लेना। नहीं मतलब ड्रेस टाइप है या क्या आपको क्या लगता है, ड्रेस बोली थी आपने? कुछ भी समझ लो, टॉप ड्रेस कुछ जी ना, मैंने तो मना कर दिया था। कोरियर आया पता नहीं कौन सा। वाओ यार। हाँ जी ये क्या ये लो आपका कोरियर। हाँ जी और यहाँ पर भी इन्होंने खुद को चैलेंज दे दिया है कि नहीं आज से मैं जिम करूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ी सी खा गए मोटी हो गई। अच्छा थोड़ी सी कैसे रहे वो इतनी स्पीड स्लो में जा रहा है, मम्मी ऐसे भाग रहे हैं जैसे ना पता नहीं कितनी तेज चल रही है। नॉर्मल नॉर्मल हाँ ऐसे चलो ऐसे गिरना ना जाऊं। हेलो गाइस तो अभी हम रेडी हो चुके हैं और आंखें खोल के बात करना, आंखें बंद करके नहीं रही, नींद बड़ी आ रही है। तैयार होने के बाद मुझे हमेशा नींद आ जाती है तो अभी मैं ऑलमोस्ट सो गई थी गाड़ी में और एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। और कितने टाइम बाद मैं ब्लॉग डालूंगी ये वाला, मतलब डाल दिया है मैंने ये जो आप देख रहे हैं, पता ही नहीं क्यों क्या हो रहा है मुझे। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस आंटी जी के घर, साक्षी भाभी के मम्मी है वो, और उनसे आपको मिलवाएंगे। तो मिलते हैं आपको उनके घर पे सीधा जाके चाय के साथ। चाय के साथ यस। ब्लॉगर्स कितने वो मतलब कितने मेहनती होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, सलाम है आप सबको। मैं तो एक व्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ और बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है सच्ची में। तो प्लीज अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आए तो प्लीज मेरे व्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखो जी एंटनी मिलन वास्ते आई है भरा दे सोरे ते कुड़ी सुती है ये। शिखा ए शिखा देख इधर, शिखे देख ना इधर, एंटनी मिलन ने सोन आई है। मिल लिया मैंने आंटी को? नहीं ना उठ के पूछ लो आंटी से। हाँ मिल गया क्या? आई थी जब मिली थी, अब कहने कह रही है मुझे नींद आ रही है। उठ के बैठ आंटी से बातें कर। चल मुझे नींद आ जा। और आंटी आपके घर में हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब भी मैं आती मुझे नींद पहले आती। उठ के बैठू? हाँ उठ के बैठ, जरूरी है। नहीं ना फॉर्मेलिटी थोड़ी ना आंटी आपके साथ। बेटे अच्छा नहीं लगता आंटी, मैंने बोल रहे एक बार भी नहीं सोचा। और वैसे सबको पता ही है फिर भी बता दू, साक्षी भाभी के मम्मी है इन्होंने मुझे जो मुझे स्पेशली बंद मक्खन भेजते हैं। तो चलो मिलते हैं आपसे चाय के साथ। चाय पिला रहे हो ना? कहते ना कोई चाय पानी कोई खाना खिलाए उसके साथ स्माइल की बहुत जरूरत है। अच्छी बातें करें। वो मेरी बहन की है। ये आज का काफी अच्छा लेसन दिया इन्होंने कि सामान चाहे आप जितना मर्जी खाने पीने का दे दो, अगर स्माइल नहीं है, प्यार नहीं है या कुछ भी नहीं है तो मजा नहीं आता। और मेरे लिए ये स्पेशली बंद मक्खन आंटी, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं टेस्टी होगा। ये देखिए गर्मा गर्म पैटीज, मेरे फेवरेट बंद मक्खन। खा तो वैसे रही है जिस तरह दूसरे दिन मिल खाने को। मम्मी ने पहले उठाया जी बंद मक्खन। तो ठीक है आंटी जी, और मुझे मिस करना, फिर भी आना, जरूर आएंगे जल्दी जल्दी जब बुलाओगे आ जाएंगे। तो अभी मिलते हैं आपको घर पर जाकर या मामी के घर पे जाके, बस मेरा तो यही लगा रहता है कभी मामी के घर यहाँ पे। तो आंटी हमें छोड़ने जा रहे हैं, आंटी कहते दोबारा वापस ना आ जाना इसलिए इसलिए हमें छोड़ने जा रहे हैं। गाड़ी में बिठाने जा रहे हैं। आंटी ने मुझे बंद मक्खन भी दे दिया जाती बाहर क्योंकि उनको पता मेरा फेवरेट है। मेरे से तो बाहर बैठ के व्लॉगिंग भी नहीं हो रही क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड है, तो मैंने सोचा मोबाइल वहां पे रखकर अच्छे से कंबल में बैठा जाए रजाई में। ठंड बहुत ज्यादा है अमृतसर में इस वक्त और मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो चलो जीवन है, ये सब करना तो पड़ेगा, उठना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। शिखा उठ, तुम्हें ही हिम्मत दिखानी है, किसी और को नहीं दिखानी पड़ेगी। मुझे नहीं ठंड ठुंड लगती। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं और मम्मी कहीं पर जा रहे हैं। तो हेलो, तो मम्मी गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। हमारी दोनों की मैचिंग हो गई। यही बोली हाँ, ठंड में यही चीजें काम आती, क्या करें। एक जादू दिखाऊं आपको क्या? जब ऐसा होने लग जाए ना तो समझो ठंड बहुत ज्यादा है,
तो आप हमारी फीलिंग समझ सकते हो, अभी व्लॉगिंग नहीं होगी, तो अभी हम चलते हैं, तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करो, कमेंट करो, जो मर्जी करो पर करो जरूर, तो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।